Welcome to Medphysics Compton Effect Part 2. हम लोग Part 1 के अंदर Equation Number, Equation A, Equation B और Equation C ये तीन Equations निकाल चुके थे. अगर आप लोगों को याद हो ये Equation A के अंदर हम लोगों ने Momentum के Change के According हम लोगों ने Equation निकाली थी एक. फिर हम लोगों ने जो मोमेंटम कंजर्वेशन में एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग जो इक्वेशंस थी वो इक्वेशन निकाली. तो हमारे पास इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी आ चुके थे. अब यहां से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है. तो अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अब हम लोगों ने जो ऐड करना है एडिंग इक्वेशन ए एंड सॉरी इक्वेशन बी एंड सी. तो इक्वेशन बी और सी को हम लोग यहां पे ऐड कर लेंगे. तो ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और जो राइट साइड है वो राइट साइड में ऐड हो जाएगी. तो इक्वेशन बी को जरा देखते हैं. तो इक्वेशन बी की जो लेफ्ट साइड है वो है पी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वो ऐड हो जाएगी इसमें. तो ये हो जाएगा पी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. ठीक हो गया. अब ये वाली साइड तो ये हो जाएगा P नॉट स्क्वायर प्लस P वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू P नॉट P वन कॉस ऑफ थीटा, और उसमें ये वाली साइड ऐड हो जाएगी. तो ये हो जाएगा प्लस P वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक हो गया. अब जरा इसको देखें तो यहां पे पी ई स्क्वायर कॉमन है. तो पी ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई. और इसको देखें तो इस दोनों में ये इसमें और इसमें पी वन कॉमन है. तो इसको एक साथ लिख के पी वन अगर इसमें से कॉमन लें तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा हो जाएगा पी नॉट स्क्वायर प्लस, तो पी वन कॉमन आ जाएगा, पी वन स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस ये वाली टर्म टू पी नॉट पी वन कॉस ऑफ थीटा. अब हमें पता है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन, तो ये वन के बराबर होता है. तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं वन. तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ई स्क्वेयर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा वन इज इक्वल टू P नॉट स्क्वेयर प्लस P वन स्क्वेयर, यहां पे भी आ जाएगा वन माइनस टू P नॉट P वन कॉस ऑफ थीटा. सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा P E स्क्वेयर इक्वल्स टू P नॉट स्क्वेयर प्लस P वन स्क्वेयर माइनस टू P नॉट P वन कॉस ऑफ थीटा. ये मेन इक्वेशन है और मैं इसे ए भी नहीं कहता बल्कि मैं इसे कह देता हूं इक्वेशन स्टार. ठीक हो गया. अब यहां तक हम लोग जो है वो हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और एनर्जी को एक तरफ निकाल के हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. अगर आप लोगों को याद हो वीडियो वन में मैंने कहा था, तो वहीं पर हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है ये हम लोगों ने पूरा एक साइड पर निकाल लिया. अब हम लोग क्या करने हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की एक और इक्वेशन निकालनी है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल तौर पे उसका जो मोमेंटम है या बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएं. तो हमारे पास उसके रिलेटिविस्टिक मास की एक इक्वेशन बनती है जो कि रिलेट करती है किन किन चीजों को. अब रिलेशन बनाती है वो इक्वेशन किन किन के दरमियान, आप लोगों के पास मोमेंटम, ठीक है, आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास जो है इन तीन चीजों के दरमियान. यानी कि अगर मैं डायग्राम पे वापस जाऊं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन रेस्ट पे था और यहां पे जितनी भी एनर्जी थी वो इसके रेस्ट मास की वजह से थी जो कि एम नॉट सी स्क्वेयर था. यहां पर जितनी भी एनर्जी थी जब यह मोशन नहीं कर रहा था तो यहां पर जितनी एनर्जी थी इसके रेस्ट मास की वजह से थी. जब ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, मोमेंटम, और उसी टाइम पे रेस्ट मास भी रहेगा. तो उसकी वजह से जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी कि जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी है वो
एनर्जी जो के मोमेंटम की वजह से है वो, और प्लस रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी है, रेस्ट मास की वजह से, तो इन सब का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी है प्लस रेस्ट मास। तो जो एनर्जी है जब वो मूव कर रहा होगा किसी काइनेटिक एनर्जी से, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी जो कि मैंने ई कहा था, प्लस उसके रेस्ट मास, और रेस्ट मास है एम नॉट सी स्क्वायर के, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मोमेंटम जो था इसका था वो था पीई, हम लोगों ने पहले कहा था पीई प्लस पीई, और पीई के साथ जो इसकी एनर्जी आ जाएगी तो पीई सी हो जाएगा, ठीक है, पीई सी हो जाएगा। तो अब इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस इसका रेस्ट मास आ जाएगा जो कि है एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी कि आप लोगों के पास जो एनर्जी होती है, आप लोग, हम लोगों ने अभी इक्वेशन एक लिखी थी ना, अगर आप लोगों को याद हो कि P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय C, तो C को इधर मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी जो आ रही थी वो आप लोगों के पास आ रही थी P इंटू C, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो आप लोगों के पास है एनर्जी यानी कि मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये मोमेंटम के इन टर्म्स में अगर हम लोग लिखना चाहें। अच्छा, इधर इस स्क्वायर को जरा अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ई नॉट, यानी कि ई एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये पूरा फार्मूला। इस स्क्वायर को अप्लाई करें तो ये पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस इसको अप्लाई करें तो ये एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर, यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करें तो ई काइनेटिक एनर्जी जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, और पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर। तो एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर के साथ क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन जो है वो आप लोगों के पास रिड्यूस होकर रह जाएगी ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर प्लस। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सी स्क्वायर है इसके साथ ये दोनों तरफ मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर लूं तो इस टर्म के नीचे भी इस टर्म के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस टू एम नॉट ई ई इज इक्वल टू पी ई का स्क्वायर। अच्छा जी, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ई ई सी डिवाइड का होल स्क्वायर प्लस टू एम नॉट ई ई इज इक्वल टू पी ई का स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे भी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर इक्वेशन याद हो तो हम लोगों ने ई डिवाइडेड बाय सी जो था वो इसके किसके इक्वल था, पी नॉट माइनस पी वन, जो कि इक्वेशन वन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, और इधर मेरे पास ये है ई है तो ई ई, तो अगर सी को इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी वन इंटू सी। तो यानी कि इस ई ई की जगह पे ये वाली इक्वेशन और इसकी जगह पे ये वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगी ये इक्वेशन, ये हो जाएगा P नॉट माइनस P1, यानी कि इसकी जगह पे P नॉट माइनस P1 आ गया और इसका होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2m0 अपनी जगह पे, तो ये आ गया 2m0 अपनी जगह पे, और इसकी जगह ई ई की जगह पे हम लोगों ने ये पुट करना है तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी वन इंटू सी इज इक्वल टू पी ई का स्क्वायर। इस फार्मूले को जरा ओपन करते हैं, अगेन स्क्वायर है तो पी नॉट का स्क्वायर प्लस पी वन का स्क्वायर
प्लस टू पी नॉट पी वन, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी और प्लस टू, अब ये सी को इसके साथ लिख लेते हैं तो टू एम नॉट सी इंटू पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू पी ई का स्क्वेयर। इसको मैं अगर अरेंज करके लिख लूँ, इस तरफ से लिख लूँ, तो ये हो जाएगा पी ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी नॉट का स्क्वेयर प्लस पी वन का स्क्वेयर प्लस टू पी नॉट पी वन प्लस टू एम नॉट सी इंटू पी नॉट माइनस पी वन, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन डबल स्टार, क्योंकि ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगर आप लोगों को इक्वेशन वन याद हो, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्वेशन वन हम लोगों ने सॉल्व की, वो इक्वेशन वन वो भी पी ई स्क्वेयर के बराबर थी और ये इक्वेशन भी पी ई स्क्वेयर के ही बराबर है। अगर मैं उस इक्वेशन पे आप लोगों को जरा ले जाऊं वापस जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था सारा, तो जहां पे स्टार तक पहुंचे थे, तो ये इक्वेशन जरा देखें, ये इक्वेशन देखें, ये वाली जिसको मैं बॉक्स के अंदर क्लोज कर रहा हूं, ये इक्वेशन देखें तो ये पी ई स्क्वेयर के बराबर है, और अभी जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की है वो भी किसके बराबर है, वो भी पी ई स्क्वेयर के बराबर है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार, तो ये मैं लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। तो इक्वेशन स्टार और डबल स्टार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, या दूसरे अल्फाज में इस पी ई स्क्वेयर की जगह पे इक्वेशन वन वाले पी ई स्क्वेयर की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इक्वेशन मैंने इसकी जगह पे पुट कर ली, तो ये पी ई स्क्वेयर वाली जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी पहली, वो इक्वेशन है, और ये दूसरी इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने डिराइव की, तो यहाँ पे पी नॉट स्क्वेयर के साथ पी वन स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस टू पी नॉट पी वन कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू पी नॉट पी वन प्लस टू एम नॉट सी पी नॉट माइनस पी वन। ठीक हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर ये हमारे पास माइनस है, ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैं अगर इस तरफ ले के आता हूँ तो ये टर्म मेरे पास इस तरफ आ जाएगी, और फिर हम लोगों ने जो भी आगे चीज़ें सॉल्व करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, तो तब तक हम लोग स्ट्रेट ट्यून उसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। तो अगर अभी इसे इधर से इस तरफ लेके आए, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस अपीयर होना था, मैंने प्लस डाला हुआ था तो मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा जी, अब अगर इसे उठा के मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा टू पी नॉट पी वन माइनस टू पी नॉट पी वन कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू एम नॉट सी पी नॉट माइनस पी वन। अच्छा जी, अब इसके इसमें जो कॉमन है वो है टू पी नॉट पी वन, तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा टू पी नॉट पी वन, तो यहाँ से ही कॉमन गया, इसकी जगह पे यहाँ पे रह जाएगा वन माइनस, यहाँ से ये चला गया तो क्या रह जाएगा, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू एम नॉट सी इंटू पी नॉट माइनस पी वन, तो ये टू और ये टू आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो रह जाएगा पी नॉट पी वन वन माइनस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम नॉट सी पी नॉट माइनस पी वन। अब ये पी नॉट पी वन को इस तरफ डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे, तो ये रह जाएगा वन माइनस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम नॉट सी पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी नॉट पी वन, और ये पी नॉट पी वन को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉज ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू एम नॉट सी इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट पी वन माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी नॉट पी वन, तो ये पी नॉट के साथ कैंसिल, पी वन के साथ कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा वन माइनस कॉज ऑफ
theta is equal to m naught c into 1 divided by p1 minus 1 divided by p naught. ठीक हो गया. अब यहां से आगे क्या हो जाएगा जी, यहां से आगे हम लोगों ने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है और बाकी हमारा कुछ नहीं है. अब ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम नॉट सी. अच्छा जी, अब ये पी वन, मैं चले मैं इसे लिख लेता हूं, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करते हैं. ये हो जाएगा पी वन डिवाइड बाय पी वन माइनस वन डिवाइडेड बाय पी नॉट. अच्छा, इक्वेशन अगर लिखें तो आप लोगों को याद होगा p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लेमडा होता था, और हम लोगों के पास जो स्कैटरिंग फोटॉन था उसके लिए अगर हमारे पास मोमेंटम p1 था तो हमने कहा था कि उसके लिए लेमडा की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी लेमडा प्राइम, तो p1 के लिए ये हो जाएगा. और जो हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन था वो p नॉट था, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेमडा. मगर ये वैल्यू p1 नहीं है बल्कि 1 डिवाइड बाय p1 है, तो इसे अगर मैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखूंगा तो इधर भी चीजें उलट जाएंगी. तो ये ऐसे हो जाएगा आप लोगों के पास, ये चीज ऐसे हो जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाय p1 है तो ये हो जाएगा लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाय h, और ये भी जब रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय p नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय h. सही, तो आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो अगर वैल्यूज पुट करूं इसकी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय p नॉट की जगह पे इसकी वैल्यू और 1 डिवाइड बाय p1 की जगह पे इसकी वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू यहां पे और ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m नॉट c. तो 1 डिवाइड बाय p वो किसकी जगह, क्या वैल्यू है इसकी, लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाय h माइनस, और इसकी क्या आ जाएगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय h. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है h कॉमन है, तो h को कॉमन निकाल लें. तो h जब कॉमन निकल जाएगा तो आप लोगों के पास फर्दर ये जो है ये चीज ऐसे आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा m नॉट c. अब इन दोनों में से हम लोगों ने क्या बार, तो 1 डिवाइड बाय h बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बच जाएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा. ठीक है, अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लिख के लिखूं तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम नॉट सी डिवाइडेड बाय एच, और ये हो जाएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा. ठीक है, एच को इधर मल्टीप्लाई कर लें, एम नॉट सी को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, या लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये जो रिजल्ट आया इसे मैं दोबारा से यहां पे बड़ा सा करके लिख लेता हूं, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये जो रिजल्ट है इसको कॉम्पटन्स ने नाम दिया था कॉम्पटन शिफ्ट का, उसी के नाम, यानी कॉम्पटन ने डिराइव की थी कॉम्पटन. अब हम लोगों के पास जो स्कैटरिंग फोटॉन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा है तो उसका मतलब है उस टाइम पे उसकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी, यानी कि ये लैम्डा की वैल्यू कम है, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लैम्डा प्राइम हो जाएगा. उस सारे को आप लोग जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो इस सारे चीज के बराबर आती है. अब इस सारी की ये जो हम लोगों ने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है, इस रिजल्ट का फायदा क्या है हमें, इस रिजल्ट का फायदा ये है कि इस रिजल्ट के अंदर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता. m नॉट जो है वो आप लोगों के पास मास है, जो रेस्ट मास है, ठीक है, दूसरा वो भी कांस्टेंट है आप लोगों के पास. जो c की वैल्यू है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी कांस्टेंट है. इसका मतलब है h डिवाइडेड बाय m नॉट c, ये सारी की सारी वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, ये है कांस्टेंट. सिर्फ बच जाती है हमारे पास ये वैल्यू थीटा, और अगर एक्सपेरिमेंट से ये थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हम लोग वेव शिफ्ट मुख्तलिफ एंगल के लिए निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ एक थीटा से हम लोग वेव शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसे हम लोग एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
اور وہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. تو لہٰذا یہیں تک آج کی ویڈیو ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈیریویشن کرنا اس لیے ضروری تھا کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بکس کے اندر بس لکھا ہوتا ہے سالو بائی سالونگ ایکویشن 1, 2 and 3 یو ول گیٹ دس ریزلٹ. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ڈیرائیو کر دوں تاکہ جو بھی اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ان کے لیے ایزی ہو جائے. تو اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. پلیز چینل کو سپورٹ کریں, کافی محنت کرنی پڑتی ہے, حالانکہ دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کہ اتنی محنت ہوگی مگر اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے. تو کائنڈلی شیئر بھی کریں, لائک سبسکرائب کریں, اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ.